जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में शशि थरूर को कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने दिए बड़े आदेश। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका खारिज करने के साथ ही पहले लगाई गई रोक को भी हटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने साल 2018 में पीएम मोदी के लिए शिवलिंग पर बिच्छू की टिप्पणी की थी। शशि थरूर के इस अपमानजनक बयान के खिलाफ भाजपा नेता राजीव बब्बर ने शशि थरूर पर मानहानि का केस दायर किया था। इसी केस में दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत द्वारा शशि थरूर को जारी किए गए समन पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि अब कोर्ट ने शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी और रोक को भी हटा दिया। शशि थरूर ने कहा था कि एक अनाम आरएसएस सूत्र से एक पत्रकार से कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं, आप उन्हें अपने हाथ से नहीं हटा सकते और आप उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते। शशि थरूर ने कहा, अगर आप बिच्छू को छूने की कोशिश करेंगे तो आपको डंक लगेगा, लेकिन अगर आप चप्पल से शिवलिंग को मारेंगे तो यह आस्था के सभी पवित्र सिद्धांतों को कमजोर कर देगा। खबर इंडिया टीवी की रिपोर्ट।